चलिए हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का हमारा टॉपिक है लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो आज मैं जो बात करूंगा वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको पढ़ना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानना है आज इसके बारे में। उसके बाद अगले दो वीडियो अलग अलग इसके वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स दोनों की बात अलग से होगी। ठीक है, तो लाप्लास कोऑर्डिनेट लाप्लास इक्वेशन सबसे पहले यूज कहां होते हैं इसकी बात हम कर लें। तो लाप्लास इक्वेशन यूज होते हैं, इट अकर्स इन द स्टडीज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन अ रीजन कंटेनिंग नो मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेयर देयर इज नो चार्ज, टेम्परेचर इन द स्टेडी स्टेट इन अ कंडक्टर वेयर देयर इज नो सोर्स और सिंक ऑफ हीट एंड दैट मेनी अदर प्लेसेस लाप्लास इक्वेशन इज यूज। ठीक है, जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में यूज होता है, जहां की कोई मैटर नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में यूज होता है, जहां कोई चार्ज नहीं होता है, टेम्परेचर में होता है, जहां पे कोई सोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये था यूज, ये बहुत थोड़ा बहुत जानना चाहिए, पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने बता दिया। चलिए अब आते हैं हम लाप्लास इक्वेशन के बारे में। तो लाप्लास इक्वेशन है क्या? तो लाप्लास इक्वेशन इज द स्पेशल कंडीशन ऑफ पॉइजंस इक्वेशन। पॉइजंस इक्वेशन का ही एक स्पेशल क्राइटेरिया है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, पॉइजंस इक्वेशन था क्या? डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर फाई द पोटेंशियल, वेयर व्हेन इन द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ नो चार्ज, जहां पे चार्ज नहीं हो। अभी मैंने बात किया कि लाप्लास इक्वेशन का यूज होता है जहां पे चार्ज नहीं होता है, तो इन द रीजन कंसिस्टिंग नो चार्ज रो बिकम जीरो। ओके, सो इस इक्वेशन में हम जीरो पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू जीरो, और यही हमारा क्या है, लाप्लास इक्वेशन है। ठीक है, तो अब बात होगी लाप्लास इक्वेशन में कंसिस्टिंग ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसे हम कहते हैं, जिसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होता है। ठीक है, यार इसको देखिए, इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाई डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, फाई पे तीनों डिपेंडेंट होते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, और तीनों एक्स वाई जेड आपस में कैसे हैं, वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसी इक्वेशन लिखूं, सो द लाप्लास इक्वेशन विल लुक लाइक दिस, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई, सॉरी माफ कीजिएगा, फाई डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा वेल नोन लाप्लास इक्वेशन है, इसको हम लाप्लास इक्वेशन के से तरह जानते हैं, दिस इज अ लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, तो यहां पे हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टूल लगाना पड़ता है जिसको बोलते हैं सेपरेबल वेरिएबल मेथड। ठीक है, तो सेपरेबल वेरिएबल मेथड का एक अलग वीडियो है, उसको देखिए और समझ लीजिएगा कैसे लगाते हैं। ऐसे यहां भी मैं बताऊंगा कि कैसे सेपरेबल वेरिएबल मेथड लगता है। ठीक है, चलो देखिएगा इसमें क्या करते हैं कि हम सेपरेबल वेरिएबल मेथड लगा रहे हैं, और यहां पर देखिएगा, सेपरेबल वेरिएबल मेथड में क्या होता है, अज्यूमिंग फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड मानेंगे, और ये बस इतना ही काम है, और उसके बाद सेपरेबल वेरिएबल मेथड कैसे होगा आगे देखिए, बस वही प्रोसीजर सेपरेबल वेरिएबल मेथड का ही है। ठीक है, तो अज्यूमिंग दिस, तो मल्टीप्लाई, ये मान लिया हमने इसका सोल्यूशन जो है, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन हमने मान लिया, फाई इज द मल्टीपल ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इसको हम ऐसे मानते हैं सेपरेबल वेरिएबल मेथड में। नाउ ये जो इक्वेशन है, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय एक्स वाई एंड जेड, ये पूरे इक्वेशन को एक्स वाई एंड जेड से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक्स वाई जेड यहाँ पे एक्स को रखते तो यहाँ फाई इस पर डिपेंडेंट था, फाई का फंक्शन था एक्स वाई जेड का, यहाँ पे देखिए फाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स वाई एंड जेड आर इंडिपेंडेंट, तो यहाँ एक्स हम फाई की जगह पे रिप्लेस कर दिए, तो एक्स यहाँ पे चले गए, सिमिलरली वाई इसके साथ रिप्लेस हो गया, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड था तो वाई इसका अंदर चला गया और यहाँ का जेड अंदर चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे किससे, एक्स वाई जेड से, तो पूरे इक्वेशन को एक्स वाई जेड से, यहां से अगर एक्स वाई जेड हो तो क्या बच जाएगा, एक्स वाई वाई और जेड कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स बच जाएगा। सिमिलरली सारे में इसमें भी वन बाई वाई बच गया, यहां भी वन बाई जेड बच गया, तो ये इक्वेशन मुझे मिला। ठीक है, उसके बाद इस इक्वेशन को, ये एलजेस साइड में है, इसको एलजेस ले जाके यहां माइनस वन बाई जेड डेल जेड बाई डेल जेड स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है,
इसको हम क्या करते हैं, वी अज्यूम फॉर दिस इक्वेशन टू एनी कॉन्स्टेंट, किसी कॉन्स्टेंट के बराबर इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं, जैसे 1 by x डेल स्क्वायर x by del x square plus 1 by y del square y del by del y square equals to minus 1 by z del square z by del z square equals to k square, हमने कोई कांस्टेंट मान लिया, पर इसको हमने क्या मान लिया, ये इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 से एक पहला जो हमारा ये आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट 1 by minus 1 by z इंटू डेल स्क्वायर जेड बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ये एक इक्वेशन निकल के आया यहां से। तो यहां से इक्वेशन निकल के आया, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे ये इसको जेड इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो के स्क्वायर जेड हो गया यहां पे, ठीक है। अब उसके बाद ये माइनस में था तो इधर लाके पॉजिटिव कर दिए, ठीक है। तो यहां पे अब क्या बचेगा, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको आप डी का कैपिटल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, इसको के स्क्वायर लिखा हमने और मल्टीपल होल्ड कर जेड, ठीक है। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने आपको आता होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में आपने पढ़ा होगा कैसे जनरल सॉल्यूशन किसी का निकालते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सीएफपीआई वाला पार्ट, ठीक है, तो यहां पर सिर्फ पीआई का पार्ट तो है नहीं, पीआई का पार्ट है नहीं, तो सिर्फ सीएफ हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वन एक कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, वह ई टू द पावर आई के जेड, जब यहां प्लस होता है तो ई टू द पावर आई के जेड के फॉर्म में हम बनाते हैं, ठीक है। यही पे माइनस रहेगा तो ये आई एलिमिनेट हो जाए, आगे आपको देखने को मिलेगा, बी वन माइनस ई टू द पावर माइनस आई के जेड, ठीक है, बस इतना सा ये हो गया। एक्स का हमारे सॉरी जेड का एक सोल्यूशन निकल गया, तो हम जेड का सोल्यूशन निकाल लिया। सिमिलरली अभी हम इक्वेशन यहां से देखें, फिर हमारे पास इक्वेशन 2 से ही एक और इक्वेशन क्या बना था, 1 by x डेल स्क्वायर x by डेल x स्क्वायर प्लस 1 by y डेल स्क्वायर y by डेल y स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर। तो यहां देखिए मैंने वो इक्वेशन को लिखा है, ठीक है, ये इक्वेशन लिखा मैंने, अभी इसको सॉल्व करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको राइट हैंड साइड ले गए तो ये एक पार्ट मुझे मिला 1 by x स्क्वायर डेल स्क्वायर x by del x square equals to k square minus 1 by y del square y del y square, ये इसको हम मान लेते हैं फिलहाल की equation number 4, equation number 4 हमने माना, ठीक है। now let us take the another constant, इस equation 4 को भी एक किसी अलग constant के बराबर हमने रख देना है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा l square, तो यहां से भी फिर एक इक्वेशन हमें मिलेगा, जरा देखिएगा, इतना को हम फिर एल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं और इतना को भी एल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो पहले फिर इसी से इक्वेशन नंबर 5 हमने एक विड्रॉ किया, लाइक 1 by x square डेल स्क्वायर एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 5, और वहीं पे के स्क्वायर माइनस 1 by y square डेल स्क्वायर वाई बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर हमारा 6 हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 6 वाई पेंडिंग में रख रहे हैं, इस इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करते पहले, तो यहां पे देखिए डेल एक्स स्क्वायर यहां से एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, और यहां से प्लस में था तो इधर लाके माइनस में हमने कर दिया, तो डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहां से एक्स से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया था तो इक्वल टू 0। अब ये भी देखिए यहां पे था ये सोल्यूशन प्लस में था, ठीक है, तो जब प्लस में होता है तो ई टू द पावर आई आयोटा फॉर्म आता है, जब माइनस में होता है तो आई यहां से एलिमिनेट हो जाता है, इसको ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा वो तब बन पाएगा, नहीं तो आप ये सॉल्यूशन याद कर लेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। जब प्लस में रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर आप रख सकते हैं या इसको एम स्क्वायर भी हम लोग बोलते हैं, ये कोई कांस्टेंट है, इससे हमको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे ई टू द पावर आई के जेड बी वन ई टू द पावर माइनस आई के जेड, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है, और जब यहाँ पे प्लस नहीं होता यहाँ माइनस होता है, देखिए इसको माइनस के फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू द पावर यहाँ से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अब किस इक्वेशन नंबर 6 को लेते हैं, इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, तो देखिए जरा सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 6, तो ये पार्ट अभी मैंने यहां लिख दिया फिर से, तो ये एल स्क्वायर के बराबर है, तो इसमें देखिए सबको मैं क्रॉस में यहां से एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो ये यहां पे भी वाई दे देगा और यहां पे भी वाई दे देगा और यहां से वाई खत्म हो जाएगा, इस पार्ट को उठा गया उधर रख दिया और इसको भी एक तरफ ले गए, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये डेल स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और इस दोनों में वाई वाई कॉमन है, देखिए वाई वाई कॉमन है तो वाई बाहर आ गया,
ठीक है। अब यहां पे वैल्यू क्या दे देगा, वाई का वैल्यू यहां पे निकाले, ई टू द पावर यहां फिर से प्लस है, ठीक है। और यहां पे होता है रूट अंडर, तो यहां पे के स्क्वायर हुआ करता था, के स्क्वायर हुआ करता है, इस वजह से रूट हमारा हर जगह से खत्म हो गया था। ये एल स्क्वायर था तो रूट खत्म हो गया था, बट यहां तो अलग अलग है तो यहां पे स्क्वायर हम नहीं रख सकते हैं। तो वाई इक्वल्स टू ई टू ए थ्री, ए थ्री कोई एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है इसलिए हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वाई ए थ्री ई टू द पावर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस बी थ्री ई टू द पावर माइनस आई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। और कंप्लीट सॉल्यूशन हम लिखेंगे कैसे, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या करेंगे, फाई इक्वल्स टू, हमने यही सॉल्यूशन माना था, अज्यूमिंग फाई इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड, तो हमने तीनों का एक्स का वाई का और जेड का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। इस तीनों का आप मल्टीपल फॉर्म में एक बार लिख जरूर देंगे, ठीक है। एक्स का जो भी वैल्यू आया, एक्स का वैल्यू कहाँ है, हाँ ए टू, ये जो वैल्यू है इनटू, फिर वाई का वैल्यू लिख देंगे आप, ये वाला वाई का वैल्यू आया था, फिर जेड का वैल्यू आया था, जेड का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू एंड प्लीज डू शेयर एंड लाइक एंड डू कमेंट्स व्हाटएवर यू डोंट लाइक और वेदर यू लाइक, इट्स ऑल ऑन यू। ओके, थैंक यू।